एपिसोड 2 की स्टार्टिंग साल 2012 से होती है। डोंगयून अपने सभी बुलीज की फोटोज फेसबुक पर देख रही होती है, जहां पर सारा अब एक पेंटर बन चुकी है और एक हैवी ड्रगी भी। म्योंगू सारा को हमेशा ड्रग ला के देता है। हीजोंग अब एक एयर होस्टेस बन चुकी है और जेजुन को उसका खानदानी गोल्फ कोर्स मिल गया है और येजिन की एक अमीर आदमी से शादी होने वाली है। कुल मिला के सबके सपने सच हो चुके हैं। येजिन और जेजुन का उसकी शादी से पहले अफेयर है। डोंगयून अब स्वयं ही से मिलती है। वो बताती है कि ये सब अब इंस्टा यूज करते हैं और तुम्हें भी करना चाहिए, और कहती है तुम अभी भी अपना इरादा बदल सकती हो, लेकिन डोंगयून उसे मना कर देती है। अगले दिन येजिन शादी कर लेती है। वहाँ उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं और डोंगयून भी दूर से उसे देखकर खुश होती है, क्योंकि अब वो अपना रिवेंज गेम स्टार्ट करने वाली है। अब दिखाते हैं डोंगयून बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल के बेड पे होती है और पड़ोस वाले बेड पर जोंग होता है। म्योंगू जेजुन का नौकर बन गया है। वो जेजुन के डॉग की देखरेख करता है और उसका ड्राइवर भी है। जेजुन म्योंगू को ड्रग लेने की आदत से उसे मारता है और कहता है मैं तेरी वजह से मर गया तो मेरे डैड के पैसों में ऐस कौन करेगा, अब मैं तेरा स्कूल दोस्त नहीं रहा, अब मैं तेरा मालिक हूँ, ये कहकर उसे और मारता है। अब दिखाते हैं डोंगयून से मिलने जियोंग आता है। उस दिन हॉस्पिटल में वो मिले थे। जियोंग उस हॉस्पिटल में इंटर्न है। वो अब उसकी रिपोर्ट देखता है तो उसमें हीमोग्लोबिन की बहुत कमी थी, इसलिए वो डोंगयून से मिलने कॉलेज जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ इग्नोर कर देती है। जियोंग डोंगयून से पूछता है क्या उसे गो खेलना आता है। जियोंग कहता है वो इसमें एक्सपर्ट है। तब डोंगयून जियोंग से कहती है क्या वह उसे सिखाएगा। तब वो डोंगयून को गो खेलना सिखाने की तैयारी करता है और डोंगयून 6 महीने तक जियोंग से गो सीखती है। एक दिन वो उसे हर्बल दवाई देते हुए कहता है टीचर्स एग्जाम में वो इस बार जरूर पास हो जाएगी। डोंगयून उसे ले लेती। डोंगयून कहती है यह उनका लास्ट गेम था और तुम एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। यह सुनकर जियोंग दुखी हो जाता है। अब साल 2015 आ गया है। डोंगयून एक टीचर बन गई है और योनजिन भी माँ बन गई है। अब साल 2021 है। योनजिन की एक बेटी है और उसका पति उसे बहुत प्यार करता है और वो बहुत खुश है। उसका पति कहता है हे जियोंग बता रही थी कि तुम स्कूल में कैसे थे। योनजिन डर जाती है। फिर वो कहता है कि उसने कहा कि उसके तुमसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। ये सुनकर योनजिन हंसने लगती है, लेकिन उसे हेजिंग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अब हेजोंग अपनी मॉम की लॉन्ड्री शॉप से ड्रेस लेती है और उसे पहनकर योनजिन और सारा से मिलने जाती है। ये देखकर दोनों हंसने लगते हैं। वो कहती है ये ड्रेस कब ली तुमने। वो कहती है मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट की। योनजिन कहती है क्या सारा तुम्हारी बॉयफ्रेंड है। अब सारा कहती है तुम अपने कस्टमर के कपड़े पहनती हो। योनजिन कहती है मैंने कहा था ना एक दिन ये तुम्हारे ही कपड़े पहनकर आ जाएगी। अब सारा कहती है अपने औकात में रह, स्कूल में डोंगयून नहीं होती तो उसकी जगह वो होती। अब योनजिन कहती है तुम क्रोंगते से मेरे बारे में गॉसिप क्यों की, दोबारा सोच समझ कर बात करना वरना अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वो चली जाती है। अब सारा हेजोंग से कहती है ड्रेस को तूने लूज कर दिया, अब तू ही इसे रख ले। फिर हेजोंग अपनी एक सेल्फी लेती है और पोस्ट में लिखती है मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट किया। जोंग डोंगयून का वेट कर रहा होता है लेकिन वो नहीं आती और वो उदास हो जाता है। अब प्रेजेंट में म्योंगू जेजुन के शॉप आता है। वहाँ उसे डोंगयून मिलती है। वो कहता है मैं मेंगयू, पहचाना मुझे। डोंगयून कहती है हाँ तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। फिर स्टाफ मेंबर कहती है जेजुन का कॉल आया है, उसने तुम्हें लॉन्ड्री से कपड़े और कुत्ते के लिए खाना लाने को कहा है। डोंगयून कहती है कुछ भी नहीं बदला, तुम आज भी उसके लिए काम करते हो, मैं मेहनत करके टीचर बन गई और तुम उसके कुत्ते को खाना खिला रहे हो। म्योंगू कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं आज भी लड़कियों को मारता हूँ। डोंगयून कहती है ये गुस्सा किसी और पर क्यों नहीं निकालते, शायद ये शॉप तुम्हारी हो जाए। अब डोंगयून सोहान के साथ ड्रिंक कर रही होती है। वो पूछती है क्या घड़ी तुम हमेशा से पहनते हो। वो कहता है ये मेरे डैड ने मुझे दी है। डोंगयून सोहान के साथ फ्रेंडली है। डोंगयून एक घर से कचरा लेने जाती है मगर वहाँ नहीं होता। वो जाने लगती है तभी उस घर की हाउसकीपर उससे कहती है तुम इस कचरे को ढूंढ रही हो। वो कहती है उसे पता है कि वो पिछले 6 महीने से यहाँ से कचरा ले जा रही है। डोंगयून कहती है उसे पैसे चाहिए तो वो दे देगी,
लेकिन हाउसकीपर उसको अपने पति को जान से मारने को कहती है। ये सुनकर डोंगयुन उसको हैरानी से देखती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।